बहुत सारे पेरेंट्स थे जो 2 महीने से स्कूल का चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्होंने किसी को भी किसी को भी फॉर्म नहीं दिया। और कुछ पेरेंट्स जो आए थे उनसे ये मालूम पड़ा कि उनके बच्चों का सेम क्लास में एडमिशन हो चुका है सर। मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया हूँ और एडमिशन के सेकंड क्लास के लिए आया हूँ। मैं इस स्कूल का सीनियर एलुमनीज हूँ फादर पिंटो के टाइम का। मेरे को ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये गाइडेंस मेरे को ही नहीं दे रहा पूरी, ना कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये कि यहाँ एडमिशन नहीं है, सीट वैकेंट नहीं है। VIPs के लिए आपके पास सीट है? जो इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भाइयों के लिए नहीं है यहाँ पर एडमिशन? ये तो गलत है ना संदीप टंडन भैया। आज मैं सेंट पॉल स्कूल के प्रांगण में आया हूँ और मेरे भतीजे के एडमिशन के लिए मैं पिछले 1.5-2 महीने से जो है यहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, एडमिशन फॉर्म को लेकर के। लेकिन इतने दिनों से स्कूल के प्रशासन से, स्कूल का ऑफिस स्टाफ से यही बार बार सांत्वना मिल रहा था, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, मार्च के लास्ट वीक में आना, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाना। लेकिन अभी तक भी जो है हमेशा यही डेट मिल रही थी। आज जब इन्होंने लास्ट 5 तारीख के लिए डेट बताई थी कि आप आज आकर के पता कर लेना, और इन्होंने एंड टाइम पे कह दिया है कि सीट स्कूल में वैकेंट नहीं है, वैकेंट होगी सीट तो आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, है ना। मेरे साथ में कई पेरेंट्स थे, कई पेरेंट्स क्योंकि इन्होंने एंड टाइम में मना कर दिया तो बच्चों के एडमिशन भविष्य का सवाल था, इसलिए वो दूसरे स्कूल में पता करने चले गए। बहुत सारे पेरेंट्स थे जो 2 महीने से स्कूल का चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्होंने किसी को भी फॉर्म नहीं दिया। और कुछ पेरेंट्स जो आए थे उनसे ये मालूम पड़ा कि उनके बच्चों का सेम क्लास में एडमिशन हो चुका है सर। 16-17 तारीख को यहाँ से स्कूल से फॉर्म मिल गया, उन्होंने फॉर्म भर दिया, बच्चों का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, वो पेरेंट्स आज फीस जमा कराने आए थे। तो मेरा सवाल स्कूल प्रशासन से ये है कि अगर उन बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उन बच्चों को फॉर्म मिल सकता है, जबकि दूसरे पेरेंट्स जो है सर रेगुलर स्कूल में आकर के पता कर रहे हैं, और हमें फॉर्म के लिए किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं दी गई है कि आपको कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। सर करीब 1.5 महीने से सर स्कूल के लैंडलाइन नंबर पे पता कर रहा हूँ, स्कूल में पर्सनल आकर के पता कर रहा हूँ, सब मना कर दिया। स्कूल ऑफिस स्टाफ से बात करी, वो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। प्रिंसिपल सर से बात करी, उनका ये कहना है साफ, उन्होंने बोला मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बोले सीट अगर वैकेंट होगी तो फॉर्म देंगे। तो मेरा सर ये सवाल है कि अगर जो पहले सीट वैकेंट थी उन बच्चों को फॉर्म कैसे मिल गया सर? या तो वो बच्चे VIP हैं या हमारे बच्चे सर ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरा ये जवाब है सर, इस चीज़ के लिए मैं सेंट पॉल स्कूल के जो प्रशासन है, जो प्रिंसिपल सर है, उनसे एक संतोषजनक जवाब चाहता हूँ सर। मेरा नाम भवदीप है, भवदीप सोलंकी। ऐसा कुछ नहीं है सर, सेंट पॉल तो ट्रांसपेरेंसी रखती है। इसमें अभी जो एडमिशन की बात ये कर रहे हैं, ये छोटे क्लास के नहीं, LKG के नहीं, ये तो कहले ऊपर के क्लास, ऊपर क्लास में जब वैकेंसी होती है तभी हम एडमिशन देते हैं। ये आए होंगे, मैं मना नहीं करूँगा, परंतु ऑफिस में उनको बताया होगा कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद आ जाओ, ये भी बताया होगा जब TC जाएगी तब आपको मिलेगी, परंतु हम आपको बुलाएंगे नहीं, आपको आकर इंक्वायरी करते रहना है। हो सकता है हमारे पास कुछ वैकेंसी निकले, उस समय हमने फॉर्म दिए थे और उन पेरेंट्स ने लेकर, वो तो खुले में, कोई सीक्रेट में नहीं दिया, खुले में दिया, इनका टेस्ट लिया हुआ है और उनको रिजल्ट लिया गया है, जो एलिजिबल है उनको लिया है। अभी ये बहुत देर के बाद आने के बाद आज ये बोल रहे हैं कि उनको बुलाए नहीं, हम बुलाएंगे कैसे से? बहुत सारे लोग पूछने आते हैं तो पूछते हैं, हम बोलते हैं जब वैकेंसी है तब आप आइए, तब हमें भी पता नहीं है कब वैकेंसी निकलेगी, यही बात है। तो मैं कुल मिलाकर आपके जितनी सीटें थी वो फिलअप कर दिया आपने? फुल है सर, अभी इनको ये भी बोल सकता हूँ यदि कोई TC जाएगी तो वो आ सकते हैं, परंतु हमें भी पता नहीं TC कब जाएगी। कल ये भी बताए कि हमने आश्वासन दिया, वो यही इंक्वायरी करते रहे, उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप पर्सनली आए, फोन पर पता लगा लीजिए, हमारा कोई किसी के साथ विरोध नहीं है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, सब हमारे दोस्त हैं। आपका गुड नेम? मैं फादर जॉन हूँ, इधर का प्रिंसिपल।